नमस्कार, अलवर अनाज मंडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे अलवर में दोस्तों बाजरा और कपास की आवक हो रही है। वैसे तो मेरे आगे सरसों का ढेर भी लग रहा है और मैं आपको दिखा ही रहा हूं, ये सरसों की है और ये कपास की लग रही है और इसके आगे बाजरे की भी ढेर लग रही हैं। तो इस समय तो दोस्तों बाजरा और कपास ज़बरदस्त चल रहा है और मेरे सामने एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं आज सरसों का क्या रेट रहा। सरसों 8200-8250 पहले कंडीशन, मतलब रेट डाउन आया सरसों का थोड़ा। हाँ, सा और कपास बाजरा क्या रेट है? कपास 7500 रुपये की ऊपर में, 7500। और बाजरे का ऊपर में रेट? बाजरा 1450-1500 बाजरा तेज, बाजरा तेज है। और गेहूँ? गेहूँ भी तेज है, 1970 रुपये की गेहूँ भी तेज हो गई। और चना क्या रेट है? चने का कंफर्म चना 5200 रुपये, 5200। मतलब सब चीज़ों में लगभग आज तेजी है। हाँ जी, सरसों में नहीं है। सरसों है, सरसों में भाव डाना है, बाकी सब। और बाजरे वगैरह कपास की आवक कितनी है मंडी के अंदर? बाजरे की लगा लो आप 3000 कट्टे। हाँ, और कपास? कपास की कम है, कपास की 1500 एक पोट लगाओ। मतलब पहले जो रोग वाली आ रही थी बाजरा और कपास, नहीं, वो नहीं। आप सही आने लग गए। अच्छा ठीक है। मेरे सामने बाबा बैठे हैं और ये कपास लेके आए अनाज मंडी में। बाबा, ये कपास अपनी कौन सा गाँव है? नाकचपुर है। क्या नाम है अपना? इमरत खां। कपास क्या रेट बिकी अपनी? 6700। ये क्या कपास में सफाई कम है क्या? नहीं, थोड़ा सा भाव, क्या भाव वैसे, ऊंचा भाव क्या है? ऊंचा तो 7300-7300। तो अपनी कुछ कपास में कमी है क्या? हाँ, हल्की है, थोड़ी हल्की है। कितने क्विंटल आए मंडी में? कितनी लाए हो जाएगी? 5-6। 5-6 एक कितने की बिका की है अभी? तो पहले तो बड़ी यही तक। अच्छा, पहला तोड़ है। ठीक है बाबा, धन्यवाद। के बाद एक किसान और बैठे हैं मेरे सामने और ये अनाज मंडी में सरसों लेके आया ना, सरसों कितने बोरी लेके आया? हम लेके कट्टे भाई 80 कट्टे। 80 कट्टे क्या रेट लग रही है आपकी सरसों? 8000 रुपये। 8000 रुपये लैब कितनी आ रही है आपकी? लैब 41। 41 लैब है। कहाँ कहाँ से आया भाई साहब? बड़ोद से। तो मतलब सरसों आपने क्या रख रखी थी? ये घर की सरसों है। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों के सामने किसान है, सरसों लेके आए हैं और इनके लगभग 8000 क्या बताई थी? 8000 बिकी है और 41 लैब आई थी। धन्यवाद।